नमस्कार साथियों, आप सभी का कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से इस वीडियो को देखिएगा और सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा। इसका फायदा क्या हो सकता है मैं आपको वही बताऊंगा। इसका फायदा ये हो सकता है कि हो सकता है आपका जो सिलेबस, जो आप ये उम्मीद कर रहे थे कि सर जो सिलेबस जो टॉपिक हट गए हैं वो नहीं आएंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे, और हुआ वही, वो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक रिमूव हो गए थे वो टॉपिक भी सिलेबस के अंदर डाल दिए गए। सीधा सीधा मतलब 2023 वाला सिलेबस सेम ही डाल दिया गया, कोई करेक्शन नहीं किया गया। बिल्कुल बेटा, आप देख सकते हो कोई भी टॉपिक आपका नहीं हटाया गया है, सारे के सारे टॉपिक्स डाले गए हैं। जैसे मैं बातें करता हूं बेटा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपका सिलेबस से हटाया गया है, सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, पूरा सिलेबस सेम डाला गया है बेटा। इतने दिन से पहले ही हम एक ही बात बोलते आ रहे थे आपको, देखो बेटा केमिस्ट्री के अंदर ठोस अवस्था का सिलेबस डाल दिया गया है। आप सोच रहे थे सॉलिड स्टेट हट गया, लेकिन सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में है, और यह सॉलिड स्टेट सिर्फ और सिर्फ राज सर ने अब तक फटा दिया। सारे बैचों में राज सर ने सॉलिड स्टेट करवा रखा है, और मैंने तो यूट्यूब के ऊपर भी करवा दिया एक बार इसका रिविजन, लेकिन यह सिलेबस से नहीं हटा, सिलेबस में है। मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि RUHS के अंदर जो बंदा सिलेबस डाल रहा उसको यही नहीं पता कि ये सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स हट गए हैं, ये सिलेबस में है ही नहीं, उसकी अपनी अलग ही केमिस्ट्री चल रही है। तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करना, तो अपन जरूर एक बार कोशिश करेंगे कि सिलेबस को दोबारा से अपलोड किया जाए। इसके अंदर जो सिलेबस में टॉपिक हट चुके हैं वो सिलेबस में टॉपिक हटने चाहिए। तो इसके लिए सारे बच्चों को आज वाले सेशन को सभी दोस्तों के पास में शेयर करना है, ताकि बेटा अपन ये तमाम जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंचे। तो अपन ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, और अपन इसके अंदर जो सिलेबस है इस सिलेबस को अपन अपडेट करवाते हैं दोबारा से। देखिएगा बेटा, और बातें करते हैं। देखो वही पृष्ठ रसायन रोई तत्वों के अंदर निष्कर्षण, वही मेटलर्जी वाला सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर, कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम, डिट्टो से डिट्टो, पृष्ठ केमिस्ट्री, सरफेस रसायन, पृष्ठ रसायन, देखिए ऐसे कैसे सिलेबस है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण मेटलर्जी वाला सिलेबस के अंदर ऐसे कैसे पढ़ा हुआ है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक बेटा आप बोलते थे पी ब्लॉक नहीं है, वो पी ब्लॉक बिल्कुल, 15 तत्वों के डाई नाइट्रोजन अमोनिया, इसके तो कंपाउंड और कंपाउंड भी फटने पड़ेंगे, कंपाउंड भी फटने पड़ेंगे, डूम लो कंपाउंड भी डाल दिए। अगर बेटा इसमें करेक्शन नहीं करवाया हमने, तो कम से कम 15 दिन का सिलेबस तो एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, 15 दिन के टॉपिक तो एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाना है, ताकि सबको ये बात पता चले कि जो सिलेबस आपने डाला गया है RUHS के द्वारा, जो सिलेबस अपलोड किया गया है, इस सिलेबस में पता नहीं है कौन सा सिलेबस अपलोड कर दिया। तो बिल्कुल अपने पास भी इतना ही समय बच रहा है, हम पुराने वाले सिलेबस को पढ़े या नए वाले सिलेबस को पढ़े। तो सारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे इस क्लास को शेयर करना, ताकि अपन इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंच सके बेटा। तो आपके सामने देखो बेटा सिलेबस से आगे की तरफ और बातें करता हूं बेटा, देख लो बेटा डी वाई एफ ब्लॉक पहले से थे, इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर और बातें करता हूं बेटा, वही देख लो बेटा बहुलक, अरे वही बहुलक नहीं हटा, दैनिक जीवन में रसायन, ये सिलेबस के अंदर NCERT में चैप्टर हट गए है ही नहीं, पता नहीं अब पूछे तो कहां से पूछे, RUHS को ऐसे पूछा जाए RUHS साहब ये चैप्टर फटे कहां से, NCERT में तो है ही नहीं, वहां से तो हट गए, लेकिन फिर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, फटना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है। अगर ये गलती पेपर में कर देते तो ये तो चलो अभी सिलेबस अपलोड हो गया, हो सकता है ये गलती पेपर में हो जाए और पेपर के अंदर सभी टॉपिकों से क्वेश्चन दे दिए, तो अपनी तो बैंड बज गई, अपनी तो तैयारी खराब हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, अपन सभी टॉपिकों को तैयार करेंगे, नए सिलेबस के लिए भी मांग करेंगे, नए सिलेबस अगर अपडेट हो जाता है उसके बावजूद भी अपन रिस्क नहीं लेंगे, अपन ये सारे चैप्टर को तैयार करके एग्जाम देने जाएंगे। कोई विश्वास नहीं है, कोई पता नहीं है, हो सकता है कल इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पेपर में भी यह गलती हो सकती है। राज सर तो पहले दिन से बोल रहे थे एम्स के अंदर भी हटे हुए चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, और वही हुआ, आज भी राज सर तो यही बोल रहे हैं इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वही होगा जो मैं आपको शुरुआत से बोलते आ रहा था, वही बात मैं आपको ये अब बोल रहा हूं कि ये 100% पॉसिबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी बच्चों को एक तो ये पता रखना है बेटा, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बायोलॉजी के अंदर बातें करते हैं बेटा।
बायोलॉजी के अंदर बातें करते हैं बेटा, बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं बेटा अपन। बिल्कुल बायोलॉजी के अंदर देखिएगा बेटा, जीवों में जनन बिल्कुल पहला ही चैप्टर रिमूव नहीं हुआ, हटा है बिल्कुल, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हटा। इसके अलावा बेटा और कौन से चैप्टर अपन मान रहे थे भाई ये चैप्टर हट गए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो पहले भी था, इवोल्यूशन भी है, उसके अलावा बेटा ये भी है जैव प्रौद्योगिकी, ये 10वां चैप्टर भी है, 9वां चैप्टर भी है, 10वां 9वां दोनों चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, दोनों चैप्टर है, नहीं हटे हैं, दोनों चैप्टर सिलेबस के अंदर है, दोनों चैप्टरों में कोई भी टॉपिक सिलेबस से रिमूव नहीं हुआ है। तो ये सभी दोस्तों को एक बात पता रखनी है। इसके अलावा देखो बेटा इकोलॉजी के अंदर बिल्कुल पर्यावरणीय मुद्दे चैप्टर सिलेबस में है, रिमूव नहीं हुआ। अपन ये सोच रहे थे ये चैप्टर सिलेबस से हट गए, लेकिन ये चैप्टर सिलेबस से नहीं हटे, ये चैप्टर सिलेबस में अभी भी उपस्थित है। तो बिल्कुल बेटा ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब इसमें करना क्या है बेटा, आपको जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दो, जितना हो सकता है बेटा, जितना भी हो सकता है सभी दोस्तों के पास में सेशन को शेयर कर दो, सभी को बताओ, कमेंट्स करो कौन कौन बच्चे हमारे साथ हैं, ताकि आप और हम मिलके RUHS के अंदर जाके इसके अंदर सिलेबस में परिवर्तन की मांग करेंगे, ताकि अपना सिलेबस क्या अगर बदलता है तो कम से कम भी 10 चैप्टर अपन को कम पढ़ने पड़ेंगे जो अपन ने अभी तक तैयारी नहीं की है। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, सारे के सारे बच्चे जल्दी से लाइव सेशन को इसको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, कमेंट करके ये बताना है कि बिल्कुल सर हम आपके साथ है, आप ये मांग उठाइएगा, अपन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार इसके ऊपर जायज मांग रखेगा और इसके अंदर करेक्शन करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी बेटा। तो बिल्कुल सभी दोस्त कमेंट करना लाइव सेशन के अंदर, शेयर करना इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में, और अपन पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अपन नए सिलेबस की अपडेट की मांग करते हैं RUHS से, ताकि सिलेबस अपडेट हो सके। जो सिलेबस से चैप्टर हट गए हैं उनको बेटा हम कोशिश करेंगे कि ये दोबारा छटने चाहिए, दोबारा से अपना सिलेबस अपलोड होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी जगह पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो जानकारी आपके पास में आ रही है जल्दी से जल्दी। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू प्यारे प्यारे दोस्तों।